अभी अंकिता के रेप और मर्डर के बाद मेरे देश के आंसू सूख भी नहीं पाए थे कि दूसरी अंकिता दरिंदों का शिकार हो गई। उत्तराखंड में रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट 19 साल की अंकिता भंडारी का शव मिल गया है। हत्या के 6 दिनों बाद चीला पावर हाउस नहर से शव मिला है। अब इस मामले में पुलिस और सबूतों की तलाश में जुटी हुई है। इस अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी और बीजेपी नेता का बेटा पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपी 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में है। इनसे पुलिस और पूछताछ कर रही है। बता दें कि 18 सितंबर की रात में ही बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य ने नहर में अंकिता को धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने पहले काफी लापरवाही बरती, उसके बाद सोशल जस्टिस अभियान चलाया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर करके जांच शुरू की थी। ये मामला पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर विधानसभा इलाके का है। यहां पर पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का रिजॉर्ट, इसी रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी बतौर रिसेप्शनिस्ट कार्य करती थी। अभी उसे कुछ महीने ही काम करते हुए थे। अंकिता भी इसी रिजॉर्ट के एक कमरे में रहती थी। ये पता चला कि पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान थी, इसलिए 18 सितंबर को रिजॉर्ट मालिक और अन्य दोस्त ऋषिकेश घुमाने ले गए थे। इसके बाद रात में सभी लोग लौट आए थे, फिर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। अगली सुबह 19 सितंबर को अंकिता रिजॉर्ट कमरे से गायब मिली थी। इस बारे में जानकारी होने पर अंकिता के परिजन ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन शुरुआत में कोई कार्यवाही नहीं की गई। यहां तक कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और मैनेजर भी भाग निकले, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। पौड़ी गढ़वाल में अंकिता भंडारी मर्डर के पीछे कहान बेहद सनसनीखेज है। असल में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता का बेटा अंकिता को गलत धंधे में ढकेलना चाहता था। इसके लिए वो लगातार उस पर दबाव भी बना रहा था। पुलिस का दावा है कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और इसके साथी अंकिता और शौरा पुष्कर ने जुर्म कबूल भी कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इनका दावा है कि अंकिता को देह व्यापार के धंधे में धकेलना चाहते थे। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार रिजॉर्ट मालिक पुलकित चाहता था कि अंकिता रिजॉर्ट में आने वाले कस्टमर को खुश करे, उनके साथ रिलेशन भी बनाए, लेकिन उसने ऐसा करने से सीधे मना कर दिया था। इसी बात को लेकर 18 सितंबर को विवाद भी हो गया था, जिसके बाद तीन लोगों के मिलकर उसे धक्का देकर चीला शक्ति नहर में धक्का देकर के रिजॉर्ट लौट आए थे। पुलिस की जांच में सीसीटीवी में दिखा कि रिजॉर्ट से एक स्कूटी नहर की ओर जा रही है। इसमें अंकिता समेत 4 लोग बाहर निकले थे। एक स्कूटी और एक बाइक पर अंकिता भी बैठी हुई। अंकिता के साथ अनहोनी हो चुकी है, लेकिन तीनों आरोपी पहले पुलिस को इधर उधर भटकाते रहे। 18 सितंबर की शाम को चारों एक बाइक और स्कूटी से रिजॉर्ट से निकले थे। इसके बाद सभी बैराज होते हुए एम्स के पास पहुंचे। इसके बाद पुलकित अंधेरे में रुका तो अन्य लोग भी रुक गए। इसके बाद तीनों ने शराब पी, मोमोज खाए। इसके बाद अंकिता ने पुलकित बात करने लगा और उसे समझाने लगा कि वो कह रहा था कि अंकिता अपने साथियों के बीच हमें बदनाम करती है, दूसरों को कहती है कि उसे कस्टमर से रिलेशन बनाने के लिए दबाव बनाया जाता है। इसी बात को लेकर अंकिता गुस्सा हो गई। अंकिता ने कहा कि मैं रिजॉर्ट की पूरी सच्चाई सबको बता दूंगी। इतना कहकर गुस्से में अंकिता ने पुलकित का मोबाइल छीन लिया और नहर में फेंक दिया। इसके बाद पुलकित भी गुस्से में हाथापाई करने लगा और अंकिता को धक्का देकर नहर में गिरा दिया। इसके बाद तीनों वहां से रिजॉर्ट लौट आए। यहां पर शय मनवीर ने जब पूछा कि अंकिता कहाँ है, तो इन लोगों ने कह दिया कि वो हमारे साथ गई ही नहीं थी। अगली सुबह दावा किया गया कि अंकिता और पुलकित दोनों हरिद्वार चले गए, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठाए जाने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अंकिता की लाश अभी भी तलाश की जा रही है। देखना ये होगा कि अंकिता को न्याय मिल पाता है या नहीं। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल।